हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल सिवरमन एकेडमी पे। आज हम लोग डील करेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज के ऊपर। गौर करिएगा, मैंने दो वर्ड कहा, एक डायमेंशन और एक डायमेंशनल फॉर्मूला। दोनों ही आपस में अलग चीज़ हैं, लेकिन इतने भी अलग नहीं है कि हम उसको अलग करके पढ़ें। डायमेंशन का मतलब कुछ और होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब कुछ और होता है। हम इस वीडियो में दोनों आपको बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है डायमेंशन, ये आपके 11th के साथ साथ 12th में भी ज़रूरत पड़ेगा। 12th में जो इस बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज के ऊपर दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूलाज को समझाने के लिए। आपको पहले मैं कुछ बातें बताऊँगा और कुछ क्वान्टिटीज़ का नाम लूँगा, उसको पहले आप गौर से सुनिएगा। मैं अगर आपको बोलूं, जो आप फिजिक्स में देखते हैं, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एनर्जी, वर्क, ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये सारी चीज़ें फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ अगर ये चीज़ें हैं, तो इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी एंड दूसरा डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। पहले मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर में 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आते हैं, जिनमें पहला है मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है करेंट, पांचवा है आपका टेम्परेचर, छठा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको आप मोल बोलते हैं, एंड सातवां है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। मैंने आपको फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि बाकी जितने सारे क्वांटिटीज़ का नाम मैं लूँगा, जैसे वेलोसिटी, वो आपका फंडामेंटल नहीं है, मतलब वो आपका मूल फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। अगर मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, तो ये वेलोसिटी जो है, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अभी मैंने नाम लिया, इन्हीं में से किसी 1, 2, 3, 4 को मिला करके वो बना है। तो अगर मेरे को ये पता करना है कि वेलोसिटी इन 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में से किस पे डिपेंड हो करके वो बना है, तो हम उसे कहते हैं डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। जब हम डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूलाज की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम ये पता कर रहे होते हैं कि वो क्वांटिटी किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं इन बातों पे उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए सीधा, मैं ज़्यादा लेक्चर बड़ा ना करके सीधा बोर्ड पे आऊँगा और आपको समझाने का कोशिश करूँगा। कम से कम मैं ट्राई करूँगा कि आपको 50 डायमेंशन फॉर्मूला आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार से आपस में अलग चीज़ हैं। तो पहले आप मेरे बोर्ड को देखिए। सबसे पहला बात तो आप अपने माइंड में ये फिट कर लीजिए कि डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा, वो अधिकतर आपको m यानी मास, l यानी लेंथ और t यानी टाइम के फॉर्म में मिल जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो किन फंडामेंटल, जो 7 था मेरा, किन फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा। अधिकतर चीज़ें तो आपको MLT के फॉर्म में दिखेगी। तो पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, उससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या। पहले मैं बात कर लेता हूँ वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर आप इस बार डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं, तो आप जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक क्या चीज़ है, तो वो एक लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज़, एक लेंथ, जिसके लिए डायमेंशन हम यूज़ करेंगे एल का, और टाइम के लिए डायमेंशन क्या यूज़ करेंगे, टी का। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा, वो आएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, टाइम के लिए टी, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो कुछ मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एल और टी ऊपर चल जाएगा तो टी का पावर माइनस वन। आप कुछ यहाँ देखिए, एल और टी का पावर माइनस वन, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी का यहाँ पे आया ये चीज़ एल टी का पावर माइनस वन, यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि अधिकतर चीज़ें तो एम एल टी के फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे एम तो नहीं है। अगर एम नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एम क्या है, तो एम ज़ीरो, जो नहीं होता उसका पावर हम ज़ीरो रख सकते हैं कि एम ज़ीरो है मेरा। एल कितना आया, एल एक, और टी कितना आया, तो टी का पावर माइनस वन। अगर मैं इसको इस ब्रैकेट के अंदर में रख दूँ, तो ये कहलाएगा मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या कहलाएगा मेरा,
डायमेंशनल फॉर्मूला, ये कहलाया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि डायमेंशन क्या है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का डायमेंशन जो होगा वो होगा इसका पावर। तो पावर कितना है, तो यहाँ पे डायमेंशन अगर आप बात करते हैं तो डायमेंशन के लिए डायमेंशन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा ज़ीरो, एल पे कितना है वन यानी वन, और टी पे कितना है तो माइनस वन। तो ये चीज़ है, डायमेंशन जो होगा वो उसका पावर्स होंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो ये पूरा चीज़ जो है ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी किन फंडामेंटल्स पे डिपेंड कर रहा है, मास पे तो नहीं कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है, और साथ में टाइम पे भी कर रहा है, लेकिन टाइम इनवर्स है। अब देखिए जिसका पावर आपको प्लस में आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका, जिसका माइनस आएगा वो इनवर्स में जाएगा। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। तो ये था पहला कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा m0 l1 t का पावर माइनस वन। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी बाई टाइम। अब आप बोलिए कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी के लिए तो अभी हम डायमेंशन निकाल चुके हैं, वो क्या है मेरा m0 l1 t का पावर माइनस वन, या फिर आप फिर से वेलोसिटी का फॉर्मूला रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो थोड़ा लंबा होगा, आप कुछ कुछ बातें तो याद करते हुए चलिएगा। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, m0 l t का पावर माइनस वन। अगर आप m0 नहीं बोलते तो सीधा सीधी आप बोल सकते हैं l t का पावर माइनस वन। तो आप बोलिए कि वेलोसिटी के लिए जो आप यहाँ डायमेंशन आएगा वो आएगा m0 l t का पावर माइनस वन, और ये जो टाइम है, टाइम के लिए डायमेंशन क्या है, तो t, तो हम लगा देंगे t, हो गया। अब यहाँ पे देखिए t का पावर माइनस वन ऑलरेडी है, ये ऊपर जाएगा तो और एक ठो माइनस वन, मतलब ये बन जाएगा कुछ आपका m0 l और t का पावर माइनस टू। तो ये हो चुका है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो चुका है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका जो डायमेंशन है वो है आपका ज़ीरो, m का पावर ज़ीरो, l में कितना है तो वन, और t पे कितना है तो माइनस टू। तो ये है डायमेंशन और ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ m ज़ीरो हो रहा है, अगर आप उसको नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डायमेंशन आप लिख पाओ इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन अलग चीज़ है। डायमेंशन आपका पावर है, और फॉर्मूला को हम विद इन ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं सिम्बॉल्स के साथ। अब देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो गया, अब कुछ और हम देखते हैं आपको, अभी बताते हैं कुछ और के बारे में। हम लोग एटलीस्ट कम से कम 50 तो करना है, ताकि हम लोग का डायमेंशन से जो भी डाउट्स रहे वो क्लियर हो पाए। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, अब हम लोग निकालेंगे इन क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन। हम ईजी से ईजी आपको लगे इसलिए पहले छोटा से छोटा पकड़ के हम बड़े बड़े क्वांटिटीज़ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, जो आपको ट्वेल्थ में भी हेल्प करेगा। तो पहला देखिए, अभी हम निकालते हैं फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, तो मास के लिए डायमेंशन क्या होता है, मास के लिए तो डायमेंशन कैपिटल एम। एक्सेलरेशन के लिए मैंने अभी निकाला था, वो था मेरा एम जीरो एल और टी का पावर माइनस वन। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो यहाँ पे m का पावर वन है और यहाँ पे m का पावर जीरो है, तो वन प्लस जीरो तो वन ही होगा, तो ये बन जाएगा m का पावर वन l और t का पावर, सॉरी एक्सेलरेशन के लिए शायद यहाँ पे माइनस टू था जो मेरा छूट चुका है, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस टू। तो ये देखिए आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, तो m1 l1 t का पावर माइनस टू। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा आपका वन वन और माइनस टू, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रख लेना है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और डायमेंशन क्या है वन वन माइनस टू। क्यों याद रखने बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये आगे आने वाला जो मेरा क्वांटिटीज़ है उसमें आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल टी का पावर माइनस टू। अब फोर्स हो गया, तो फोर्स के बाद हम नेक्स्ट निकाल लेंगे आपका वर्क का। फोर्स के बाद हम नेक्स्ट किसका निकालेंगे, तो वर्क का। तो चलिए वर्क का निकालते हैं। तो वर्क का डायमेंशनल क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने फोर्स का निकाला था, तो फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, ये होता है फोर्स का। और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, और लेंथ के लिए क्या देंगे एल, लेंथ के लिए दे देंगे एल। तो ये क्या बन गया, एम का एम एल वन, और यहाँ पे वन तो एल स्क्वायर, और टी का पावर माइनस टू। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, और डायमेंशन क्या होगा इसका, तो आप देख ही रहे हैं वन टू माइनस टू, वन टू माइनस टू, ये हो गया वर्क का डायमेंशन। अब इसके बाद देखिए कि वर्क का जो डायमेंशन आया,
अगर मैं आपको बोलूं कि एनर्जी का आप डायमेंशन बोलिए एनर्जी का, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क जो होता है उसी को कन्वर्ट करते हैं हम एनर्जी में। तो वर्क का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन होगा एनर्जी का भी, मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और वो किसी भी प्रकार का एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे इलास्टिक एनर्जी हो, चाहे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, कैसा भी एनर्जी हो, सभी एनर्जी का डायमेंशन आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो कैसा भी एनर्जी आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, तो जो वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इतना कन्फर्म है। इसके बाद चलिए, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, अब बात करते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर के लिए देखिए, प्रेशर बहुत सिंपल होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो चलिए अब निकालते हैं प्रेशर के लिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अभी हम लोग फोर्स का आपको तो याद करने बोली दिए, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। देखिए हम यहाँ पे कुछ दे नहीं रहे, मतलब ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पे वन वन है, तो एम एल टी माइनस टू ये फोर्स का हो गया। और एरिया क्या होता है? तो एरिया टू डी चीज़ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, टू डी है। तो दोनों तो लेंथ ही है ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों तो लंबाई ही है, लेंथ। तो लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एल। तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और चूंकि दोनों लेंथ है आपका, तो आप इसको लिख पाओगे एम एल टी माइनस टू, और नीचे दोनों लेंथ है मतलब एल और एल हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। ये हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ से एक एल कट जाएगा तो बचेगा एक एल, जो ऊपर जाएगा तो लिखाएगा आपका कुछ इस प्रकार से एम एल का पावर माइनस वन, ये वन है नीचे में, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, और टी का पावर माइनस टू। तो ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आपसे डायमेंशन पूछे तो वो होगा वन माइनस वन माइनस टू, वन माइनस वन माइनस टू। ये हुआ। अब कुछ और देखिए, आप इन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालते हैं। तो देखिए आपको इस वीडियो से फ़ायदा क्या होगा कि आपको इस वीडियो में 50 क्वांटिटी का डायमेंशन तो निकाला पाओगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम जो डायमेंशन निकालेंगे वो किसका होगा? पावर का। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क का डायमेंशन हम लोग बना चुके हैं, वर्क का डायमेंशन क्या आ चुका था वैसे आप जान ही रहे हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स का डायमेंशन तो मैंने आपको याद रखने बोल ही दिया है कि वो कंपलसरी है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या था? एम एल टी माइनस टू। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखोगे आप? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, लेंथ मतलब आपका एल, और टाइम के लिए टी। तो आप देखिए इसमें क्या निकल के आएगा, तो आएगा एम का एम एल वन है और यहाँ पे वन तो एल स्क्वायर, टी यहाँ माइनस टू है, ये ऊपर जाएगा तो और एक तो माइनस यहाँ ऐड होगा, मतलब टी का पावर माइनस थ्री। तो ये हो गया पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन होगा वन टू माइनस थ्री। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया गया कि ये जो पावर है वो किन फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। तो पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ के स्क्वायर पे, और टाइम के इन्वर्स क्यूब पे। इतना समझ में आता है ना कि ये सारा चीज़ें आपको बता रहा है कि वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये हुआ पावर का। इसके बाद आप देखिए मोमेंटम। तो चलिए मोमेंटम का भी फॉर्मूला देखिए आप। तो मोमेंटम कैसे होगा? तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख रहे हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब आप देखिए कि मास के लिए तो डायमेंशन m, वेलोसिटी का तो आपको बता ही दिए कि m0 l t का पावर माइनस वन, एम एल एम जीरो एल टी का पावर माइनस वन। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो, मतलब वन प्लस जीरो वन ही होगा, तो m आपका वन आएगा, L और T का पावर माइनस वन। ये होता है मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसका डायमेंशन क्या होगा? तो वन वन माइनस वन, मतलब मोमेंटम डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पे, लेंथ पे, और टाइम के इन्वर्स पे। ये था मोमेंटम का डायमेंशन। इसके बाद आप इम्पल्स का देखिए। तो इम्पल्स का डायमेंशन क्या होता है? तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं वो लिखूंगा। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। तो देखिए फोर्स कितना नेसेसरी है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है वो तो आपको याद रखना ही है, वो होता है एम एल टी का पावर माइनस टू। मतलब फोर्स डिपेंड किस पे करता है? मास पे, लेंथ पे, और टाइम पे। और टाइम का किसका? माइनस टू, यानी इनवर्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है वो। तो ये हो गया फोर्स के लिए। और टाइम का तो आप जानते ही हैं कि वो क्या होगा? टी होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा कि एम का एम, एल का एल, यहाँ देखिए माइनस टू, यहाँ पे टू कुछ नहीं है, मतलब वन, तो माइनस टू और प्लस वन में कितना आएगा? तो माइनस वन, मतलब टी का पावर माइनस
वन, ये होता है इम्पल्स का फॉर्मूला। तो इससे पहले आप गौर करिए कि मोमेंटम में भी तो सेम यही आया था, मोमेंटम जो हम लोग लिखे थे मोमेंटम, उस मोमेंटम में अगर आप देखते हैं तो मोमेंटम का भी डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला यही बना था। मतलब इम्पल्स और मोमेंटम ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिसका दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, और ये आपके बोर्ड के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल चुका है। ये आपको देखने को मिल गया था एक बार कि आप एक ऐसे क्वांटिटी का नाम बताइए जिसका दोनों का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो वो क्या क्या है आपका, इम्पल्स एंड मोमेंटम, जो किस पे डिपेंड करता है, मास, लेंथ और टाइम के इनवर्स पे। तो ये हो गया मोमेंटम का, इसके बाद इम्पल्स का। इसके बाद बात करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, देखिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी आपको मिलेगा, तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखिए इन सारे फॉर्मूलाज को, क्योंकि आपका फिजिक्स को अगर बूस्ट करना है तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए। तो आप देखिए, आप सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आप बोलिए फोर्स का क्या है, तो फोर्स का तो आप जान ही रहे हैं, एम एल टी का पावर माइनस टू, और लेंथ के लिए क्या होगा, लेंथ के लिए आपका होगा एल। तो यहाँ पे देखिए, एल एल अगर कट जाता है तो यहाँ पे आपका जो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा एम, एल में कुछ नहीं मतलब एल जीरो और टी का पावर माइनस टू, एम एल जीरो टी का पावर माइनस टू। मतलब सरफेस टेंशन डिपेंड किस पे करता है, मास पे, लेंथ पे नहीं करता है और टाइम पे करता है, तो इनवर्स स्क्वायर पे करता है। और इसका डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन वन जीरो माइनस टू, वन जीरो माइनस टू। ये हो गया, हम लोग निकालेंगे इन क्वांटिटीज का डायमेंशन। पहला वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो चलिए देखते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये तो बहुत आसान है, वेलोसिटी का डायमेंशन आप जान ही रहे हो, एम जीरो एल और टी का पावर माइनस वन, और टाइम के लिए टाइम टी। अब आप बोलिए कि टाइम का यहाँ पे वन है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन ऑलरेडी है, तो माइनस वन और माइनस वन में कितना होगा, माइनस टू, ये आएगा एम जीरो एल टी का पावर माइनस टू। ये हो गया डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, और डायमेंशन क्या है, तो जीरो वन एंड माइनस टू। ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ प्रेशर कितना चेंज किया, हम उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर बाय टाइम। और प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स बाय एरिया, और अगर टाइम है तो नीचे टाइम। अब फोर्स का बोलिए, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, ये तो आपको याद रखना ही है, फोर्स बहुत जगह में यूज होगा, एम एल टी माइनस टू। अब एरिया के लिए क्या होगा, एल स्क्वायर, एरिया टू डी है ना आपका, एरिया टू डी है मतलब एल स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर, और टाइम के लिए आएगा आपका टी। तो अब देखिए कुछ कटेगा क्या, हाँ यहाँ से एक थोड़ा लेंथ कट जाएगा, बचेगा एक एल, और कुछ नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं एम का एम, L एक ठो है ऊपर जाएगा तो L का पावर माइनस वन, T यहाँ पे एक ठो है तो ऊपर जाएगा तो T का पावर माइनस वन, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस टू है मतलब T का पावर माइनस थ्री। तो ये हो चुके गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला, और डायमेंशन क्या है, वन माइनस वन माइनस थ्री। प्रेशर ग्रेडियंट के बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, तो वो है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो आपको दिखा रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका एम आर स्क्वायर, एम मतलब मास, आर का मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन। ये सब देखिए जो फॉर्मूलाज है, पहले तो आप याद करके लिखिए इसको, क्योंकि ये सारे चीज़ें के बारे में आप पढ़ेंगे आपके इलेवेंथ में ही, इलेवेंथ और ट्वेल्थ के फिजिक्स में। ये फॉर्मूलाज है जिसको आपको एक कॉपी में लिख करके डायमेंशन निकालने का प्रैक्टिस करना है, बस यही बता रहे हैं। आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू आर स्क्वायर। अब मास का क्या होगा बोलिए, तो मास के लिए डायमेंशन तो एम होगा, रेडियस का मतलब क्या है, लेंथ है वो, और लेंथ के लिए एल होगा, और एल का स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए टाइम नहीं है, तो टाइम अगर नहीं है तो टाइम का पावर क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिपेंड किस पे कर रहा है, वो कर रहा है मास पे और लेंथ पे,
टाइम पे डिपेंड नहीं करता ये, और इसका डायमेंशन क्या है, 1 2 0 1 2 0। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया। नेक्स्ट क्या है मेरा, एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए मोमेंटम तो निकाले थे, अब बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम का। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का पहले आपको फॉर्मूला देखिए, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एम वी आर, जहाँ पे एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी, एंड आर क्या है रेडियस। तो चलिए मास के लिए एम, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का सॉरी डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन होता है आपका एम जीरो एल टी का पावर माइनस वन, और रेडियस के लिए वो तो लेंथ है, लेंथ का मतलब L, लेंथ का मतलब क्या है आपका L। तो आप देखिए M यहाँ पे एक है और यहाँ पे जीरो मतलब वन, यहाँ पे वन है तो वन प्लस जीरो। देखिए जब आपका बेस इक्वल होता है या सेम होता है तो उसका पावर ऐड होता है, यहाँ पे वन प्लस जीरो तो वन ही होगा, मतलब यहाँ पे M आएगा आपका वन। L कितना है तो L, और यहाँ पे एक तो L मतलब L का स्क्वायर और T का पावर माइनस वन। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, और डायमेंशन क्या है तो वन टू माइनस वन, वन टू माइनस वन। अब एंगुलर मोमेंटम के बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, टॉर्क। ये देखिए सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टॉर्क का मतलब क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला देखिए पहले आप, और उसके बाद आप डायमेंशनल निकालिएगा। तो आपके मन में तो ये ख्याल जरूर होगा, क्या सर हम बिना फॉर्मूला का डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए आना चाहिए उसका यूनिट, क्या आना चाहिए आपको उसके लिए यूनिट। और अगर आपको यूनिट नहीं आता तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और अगर दोनों नहीं आता तो फिर आपको फिजिक्स में कोई कामें नहीं है, एक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, या तो यूनिट या तो फॉर्मूला, अगर आप चाहते हैं कि आप डायमेंशन को निकालें। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल आप, इसके बाद आप टॉर्क देखिए, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए फोर्स का तो आप जानते ही हैं, फोर्स का तो हम बार बार बोल रहे हैं, वो होगा एम एल टी माइनस टू, ये होता है फोर्स का। और डिस्टेंस क्या है, लेंथ है आपका, तो लेंथ मतलब एल, लेंथ मतलब एल, तो इसका क्या आ जाएगा, तो वो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हो गया टॉर्क का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, और डायमेंशन क्या है, वन टू माइनस टू, वन टू माइनस टू। इसके बाद कुछ और आप क्वांटिटी दिखाते हैं। अब इन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला निकालेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके बाद चार्ज एंड करेंट डेंसिटी। फिलहाल आप यहाँ तक देखिए कि जब हम यहाँ तक 18 नंबर यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक अगर हम डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो आप 11th में जो कुछ और क्वांटिटी आएगा, जब आप जो कोई 11th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए फिजिक्स में जो क्वांटिटी आएगा, और अगर कहा जाए कि आप डायमेंशन निकालिए, तो आप इसके हेल्प से तो निकाल सकते हैं। अब जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम चार्ज को लेकर के, तो 12th वाले भी यहाँ से कर सकते हैं। तो 12th वालों के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो किस प्रकार से डायमेंशन निकालेंगे, क्योंकि उसका जो चैप्टर होता है फर्स्ट चैप्टर चार्ज से स्टार्टिंग होकर के मैग्नेटिज्म में वो जाएंगे, तो ये सब अब 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा। और यहाँ तक मैं जितना बताए हैं 1 से लेकर 18 तक, इसको लेकर के आप 11th वाले कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप पहले फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो ये तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसका डायमेंशन, ये क्या होगा, देखिए टाइम पीरियड ऊपर चल जाएगा तो टी का पावर माइनस वन। क्या यहाँ पे मास है, नहीं जीरो। क्या लेंथ है, नहीं वो भी जीरो। तो ये हो गया इसका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। और डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन जीरो जीरो माइनस वन, ये डायमेंशन और ये डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है मेरा, प्लैंक कांस्टेंट। तो देखिए कि प्लैंक कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू एच एफ, जहाँ पे ई क्या है तो ई आपका एनर्जी है, एफ क्या है तो एफ आपका फ्रीक्वेंसी है, और H क्या है तो H आपका है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और आपको इस बार लिखने किसके बोला गया है, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला लिखना है। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हैं, वो देखिए मैं यहाँ पे आपको बना के दे रहा हूँ। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला H इक्वल्स टू क्या आएगा, तो वो आएगा E बाई F, E ये मल्टीपल में जाकर डिवाइड, तो E बाई F, जहाँ पे E क्या है एनर्जी। और आपको बता दिए थे कि एनर्जी का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला किसके बराबर होगा, वर्क के। और वर्क का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, तो वो अब एनर्जी का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला हम वर्क से निकाल सकते हैं। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी। फोर्स का तो आप जानते ही हैं फोर्स क्या होता है, तो वो होता है आपका, हम नीचे लिख दे रहे हैं फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से एक थो लेंथ,
डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ है मतलब लेंथ, और फ्रीक्वेंसी का तो आप देख ही लिए 1 बाई टाइम पीरियड मतलब टी का पावर माइनस 1, एम भी 0 होगा और एल भी 0 होगा। तो ये होता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद आप देखिए, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि एम एक ठो है, एल 1 और 1 यहाँ पे, एल 2 यहाँ पे, देखिए एल यहाँ पे माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर होने पे प्लस, और यहाँ पे कितना है माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 में कितना आएगा तो माइनस 1 मतलब टी का पावर माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, एक बार पूछा भी जा चुका है आपके बोर्ड में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब प्लैंक कांस्टेंट के बाद नेक्स्ट क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके थे, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ अलग नहीं आएगा, क्योंकि वो भी एक एक्सेलरेशन ही है। जैसे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर होता है आपका ml स्क्वायर टी माइनस टी का पावर माइनस 2, तो उसी प्रकार से पोटेंशियल का भी वही होगा, काइनेटिक एनर्जी का भी वही होगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन का निकाल चुके हैं तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का भी वही होगा। तो देखिए जो मैंने बोला क्या वो सही है, तो हाँ सही है। देखिए आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला बता देंगे आपको तो आप वहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एनर्जी बोले तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम आपको लिखा है, एनर्जी का क्या लिखा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और ये वर्क का भी होता है। अब चाहे आपको काइनेटिक एनर्जी बोले, पोटेंशियल बोले, कुछ भी बोले, उसका सेम होगा। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन का जो होता है वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का भी होगा। तो पहले तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है पहले हम वो लिखते हैं। तो सेंट्रीपेटल जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे v क्या है वेलोसिटी एंड r क्या है रेडियस। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला वो होता है m 0 l t का पावर माइनस 1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे रेडियस है, रेडियस का मतलब क्या होता है लेंथ यानी l। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, देखिए m 0 तो 0 का पावर 2 भी रहे तो m 0 ही होगा, l l का पावर 2 मतलब l स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, m 0 एल स्क्वायर माइनस 1 और 2 में आ जाएगा t का पावर माइनस 2, और नीचे l है तो एक तो l कट जाएगा, तो क्या आ गया m 0 l और t का पावर माइनस 2। और अगर आप एक्सेलरेशन निकाले थे तो इसमें भी तो यही था, m 0 l t का पावर माइनस 2। इसका डायमेंशन क्या है 0 1 एंड माइनस 2। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होने के बाद यहाँ से जो हम निकालेंगे चार्ज, ये चार्ज को देखते हुए हम उसके बाद निकालेंगे करेंट डेंसिटी, मतलब ये सब 12th के टॉपिक्स हैं, और ये 12th में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में बहुत मदद करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि पहले हम चार्ज को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ज, हम चार्ज निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालेंगे, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे आएंगे। आप देखिए किस प्रकार से करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सारे टॉपिक्स जो है वो 12th के लिए हैं, लेकिन फिर भी आप इसको देख करके रखिए कि अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालने बोला जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए चार्ज के लिए, तो चार्ज के लिए चार्ज को डिनोट तो हम क्यू से करते हैं, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है आई, आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, मतलब करेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम, जहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा तो करेंट इंटू टाइम, करेंट इंटू टाइम। अब अगर आप इस करेंट को देखते हैं तो करेंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका डायमेंशन क्या होता है एम्पेयर, ए करेंट का क्या होता है एम्पेयर, और टाइम के लिए टी। तो ये होता है चार्ज का डायमेंशन एम्पेयर एंड टाइम पीरियड टी। ये हो गया चार्ज का डायमेंशन एम्पेयर एंड टाइम पीरियड टी। अब इसका यूज़ करके हम निकालेंगे करेंट डेंसिटी का। तो आप देखिए करेंट डेंसिटी का क्या होगा, तो पहले तो चार्ज का हो गया, अब देखते हैं करेंट डेंसिटी का। तो करेंट डेंसिटी का क्या होगा, मतलब चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज क्या आया था ए और टी, ए का मतलब एम्पेयर और टी का मतलब टाइम, मतलब चार्ज डिपेंड कर रहा है करेंट पे और टेम्परेचर पे, ना मास, ना लेंथ, ना किसी और क्वांटिटी पे। अब हम निकालेंगे करेंट डेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा पहले हम वो लिख दे रहे हैं आपको। तो करेंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसका मतलब होता है करेंट पर यूनिट एरिया, करेंट पर यूनिट एरिया। अब करेंट के लिए तो आप जान ही रहे हैं, करेंट का डायमेंशन होता है एम्पेयर, और एरिया के लिए एरिया 2D है मतलब एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका ए एल का पावर माइनस 2। तो ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला करेंट डेंसिटी का। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है आपका लेंथ पे और एम्पेयर यानी करेंट पे। क्या मास पे कर रहा, नहीं। क्या टाइम पे कर रहा, नहीं।
तो मास लेंथ पे डिपेंड तो नहीं कर रहा, लेकिन कर किस पे रहा है, तो लेंथ पे और एम्पेयर पे, ये लेंथ पे और एम्पेयर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये था करंट डेंसिटी का। अब कुछ और देखिए आप, अब निकालते हैं डायमेंशन इन क्वांटिटीज़ का। ये ट्वेल्थ के टॉपिक्स हैं, इलेवेंथ में, टेंथ में भी कभी ना कभी आप इसको देखे हैं, तो टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ऐसा कुछ नहीं, डायमेंशन आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पहले निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज के नाम से भी आ जानते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क का डायमेंशन आपको बहुत बार बोल दिए, वर्क क्या होता है, तो वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप इसका भी डायमेंशन को याद कर सकते हैं, वर्क और एनर्जी वाले को, फोर्स का तो करना ही है और वर्क का भी आप कर सकते हैं अगर आपसे हो पाए तो। अब चार्ज का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, चार्ज का फॉर्मूला भी आपको बताए थे, करेंट इंटू टाइम। अब इससे हम इसको निकाल सकते हैं, फोर्स के लिए आप जान ही रहे हो एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स के लिए, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है क्या, लेंथ है मतलब एल, करेंट के लिए हम देंगे एम्पेयर ए, और टाइम के लिए हम दे देंगे कैपिटल टी। तो अब देखिए इससे मेरा बन के जाएगा फॉर्मूला, एम का एम, एल और एल में आएगा एल स्क्वायर, टी यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ से एक जाएगा तो और माइनस वन होगा, मतलब टी का पावर माइनस थ्री, और ए ऊपर चल जाएगा तो ए का पावर माइनस वन। तो यहाँ पे ये हो गया डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, और डायमेंशन क्या होगा, वन टू माइनस थ्री एंड माइनस वन, वन मास के लिए, टू लेंथ के लिए, माइनस थ्री टाइम के लिए, और माइनस वन एम्पेयर के लिए। ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इंपॉर्टेंट है ना, ये सब ट्वेल्थ में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम नेक्स्ट किसका निकालेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल देखेंगे अभी। तो देखिए रेजिस्टेंस का पोटेंशियल आप कैसे फाइंड करिएगा, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल आपको निकालना है, तो पहले तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, चलिए पहले हम लिख दे रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे आप ओम्स लॉ में पढ़े होंगे, वी इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे आर होता है रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ से आर को निकाल सकते हैं, वी बाई आई, क्या निकाल सकते हैं, वी बाई आई। अब देखिए पोटेंशियल का फिर आपको फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप पोटेंशियल कुछ देर पहले ही हम निकालें, इससे पहला वाला टॉपिक में ही पोटेंशियल निकालें, तो पोटेंशियल का डायमेंशन हम निकाल चुके थे, अगर याद नहीं तो फिर से आप लिख सकते हैं। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और नीचे करेंट है तो करेंट। अब वर्क का डायरेक्ट आप लिख दीजिए, डायरेक्ट क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नीचे चार्ज के लिए क्या होगा, आई इंटू टी, चार्ज का क्या होता है, आई इंटू टी, आई का मतलब एम्पेयर और टी का मतलब टाइम, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एम्पेयर और टी के लिए, टाइम के लिए टी, और यहाँ पे फिर से करेंट है, मतलब ये हो जाएगा एम्पेयर, ये हो गया एम्पेयर। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे अभी, तो क्या लिखाएगा वो देखिए आप, एम का एम, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, टी यहाँ पे माइनस टू, ये ऊपर चल जाएगा तो टी का पावर माइनस थ्री, और ए में ए स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो ए का पावर माइनस टू। ये हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब एंड ए माइनस टू, ये था रेजिस्टेंस का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। इसके बाद आप निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस का, तो देखिए कैपेसिटेंस का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला क्या होगा, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला क्या होता है। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है पहले हम वो लिख लेते हैं, कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं सी से, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखिए कि चार्ज का तो आप जान ही रहे हो, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट इंटू टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब अगर हम नहीं जाएंगे इसको, तो कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस सी लिखेंगे, आई के लिए क्या लगा सकते हैं हम, तो वो लगा सकते हैं आपका एम्पेयर, टाइम के लिए टी, वर्क डन के लिए आप लिख सकते हो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और चार्ज के लिए आप फिर से लिखोगे करेंट इनटू टाइम, तो करेंट इनटू टाइम का मतलब क्या है, एम्पेयर इनटू टाइम, एम्पेयर इनटू टाइम, क्लियर है। ये ऊपर चल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका ए और ए में ए स्क्वायर, टी और टी में टी स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब इसको भी ऊपर करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो वहाँ से आएगा आपका, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वो आएगा आपका एम ऊपर जाएगा तो एम का पावर माइनस वन, एल ऊपर जाएगा तो एल का पावर माइनस टू, टी ऊपर जाएगा तो माइनस में है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे दो और दो में आ जाएगा चार, मतलब टी का पावर फोर और ए का स्क्वायर, टी का पावर फोर और साथ में ए का स्क्वायर। ये होता है डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, एम माइनस वन एल माइनस टू टी का पावर फोर ए का पावर
टू, तो ये हो गया कैपेसिटेंस के लिए। नेक्स्ट किसके लिए निकालेंगे? रेजिस्टिविटी। तो चलिए रेजिस्टिविटी के लिए देखते हैं कि रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे हम और फिर हम निकाल लेंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चलिए रेजिस्टिविटी का बात करते हैं अब। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाई ए, जहाँ पे ये जो रो है ये कहलाता है रेजिस्टिविटी, ये रो कहलाता है रेजिस्टिविटी। तो इस बार आपको उसका निकालना है, तो आप रो को सब्जेक्ट बना लीजिए, R का R, इसको पार करेंगे तो ये चल जाएगा आपका, ये डिवाइड में है हो जाएगा मल्टीपल, और ये मल्टीपल में है हो जाएगा डिवाइड, मतलब इन दोनों को हम पार कर दिए। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, वो अगर याद नहीं है तो फिर रेजिस्टेंस को फिर से हमको लिखना पड़ेगा कि रो का रो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं हम वी बाई आई, वी बाई आई यहाँ पे एरिया के लिए ए और लेंथ के लिए एल। अब वी का फिर आपको बिठाना पड़ेगा, तो वी का फॉर्मूला आप फिर रख सकते हैं। वी का फॉर्मूला आप क्या रख पाएंगे, वो देखिए रो का रो, वी का फॉर्मूला होगा वगडन पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पे करेंट है तो करेंट आई, यहाँ पे एरिया है तो एरिया ए, और नीचे एल है तो एल। अब आप वक का निकाल सकते हैं, वक का बिठा दीजिए आप, वो क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चार्ज का तो होता है करेंट इंटू टाइम, चार्ज का क्या होता है करेंट इंटू टाइम, और इसका डायमेंशन क्या आएगा एम्पेयर इंटू टाइम, करेंट के लिए एम्पेयर, टाइम के लिए टाइम, फिर एक करेंट है तो करेंट के लिए फिर एम्पेयर, ठीक है। एरिया के लिए क्या होगा एल स्क्वायर, और लेंथ के लिए क्या होगा लेंथ के लिए एल होगा। अब जो चीज़ कटेगा उसको काट देंगे, बाकी लिख देंगे, एल यहाँ से एक तो कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे देखिए एम का एम एल स्क्वायर, और यहाँ से एक एल मतलब एल क्यूब, यहाँ पे टी का पावर माइनस टू है, यहाँ पे एक नीचे टी है, ये अगर ऊपर चल जाएगा तो टी का पावर माइनस टू, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो माइनस वन और एक टू मतलब माइनस थ्री, फिर यहाँ पे क्या बच गया ए, और ए में ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए का पावर माइनस टू। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए, जो किस पे डिपेंड कर रहा है मास, लेंथ, टाइम और एम्पेयर यानी करेंट पे। इसके बाद लास्ट क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप वो देखिए, उसके बाद हम पहुंचेंगे उसके डायमेंशनल फॉर्मूला तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, अब देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है एम एल टी का पावर माइनस टू, और चार्ज के लिए आपको बता ही रहे हैं एम्पेयर इंटू टाइम। तो इसको अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ से मेरे को इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, जो क्या निकल के आएगा एम का एम एल टी माइनस टू, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आएगा टी का पावर माइनस क्यूब, और ए ऊपर जाएगा तो ए का पावर माइनस वन। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, और डायमेंशन क्या है वन वन माइनस थ्री एंड माइनस वन। तो 25 डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और 25 डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बन रहे मेरे साथ और मिलते हैं।